प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम आज टर्म वन का पहला चैप्टर पढ़ते हैं। टर्म वन का सेकंड चैप्टर हमने पढ़ लिया था, सेंट वो शेख नूरुद्दीन वली, वो इसका सेकंड चैप्टर था। और फर्स्ट चैप्टर इसका है सेंट ऑफ द गटर्स। पिछली बार मैंने आपको जैटरी को इसकी इंट्रोडक्शन करवाई थी, इसके राइटर के बारे में भी कुछ इंट्रोडक्शन दी थी। चैप्टर में जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि हम में से कितने लोग जो हैं गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, यानी उनकी खिदमत करने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए, उनको सहारा देने के लिए कितने लोग तैयार हैं। ट्रू वर्शिप लाइज इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। क्यों? क्योंकि खुदा ने भी कहा है अगर आप मेरे बंदों का की खिदमत करोगे, उनकी हिफाजत करोगे, उनकी उनका ध्यान रखोगे, तो इसका मतलब है कि आप मेरी इबादत कर रहे हो। इस फील्ड में या ये काम जो है इसमें एक लेडी मदर टेरेसा जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, पूरी दुनिया में उसको रेस्पेक्ट की जाती है, उसको इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे लोगों के लिए दे दी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर्स ऑफ द 20th century इज़ अ वुमन नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज मदर टेरेसा। कहता है 20वीं शताब्दी या सदी की एक सबसे बड़ी शख्सियत एक लेडी है, एक औरत है जो पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसका नाम है मदर टेरेसा। शी डिड नॉट होल्ड एनी पावरफुल पोजिशन इन पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट, येट शी रूल्ड ओवर द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ काउंटलेस नंबर्स ऑफ पीपल इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री। हालांकि वो कोई बड़ी प्राइम मिनिस्टर नहीं रही है, प्रेसिडेंट नहीं रही है, कोई ऑफिसर नहीं रही है, लेकिन फिर भी लाखों लोगों के दिलों पर उसने क्या किया है, हुकूमत की है, यानी लाखों लोग उसकी इज्जत करते हैं। शी वॉज अवॉर्डेड द हाइस्ट ऑनर्स बाय अ ग्रेटफुल वर्ल्ड इंक्लूडिंग द नोबेल पीस प्राइज। इस काम के लिए उसको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए और उनमें से सबसे बड़ा अवार्ड जो नोबेल पीस प्राइज है वो भी उनको दिया गया। शी हैड नो मटीरियल पोजिशंस ऑफ हर ओन एज शी हैड डेडिकेटेड हर सेल्फ टू अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड अ हम्बल सबमिशन टू गॉड, येट द रिच द फेमस एंड द पावरफुल फ्लॉक्ड टू हर टू बिकम अ पार्ट ऑफ हर मिशन एंड टू गिव सम रियल मीनिंग टू देयर लाइव्स। कहते हैं हालांकि उसका अपना कुछ नहीं था, कोई भी जायदाद नहीं थी, पैसे नहीं थे, मतलब उसके पास कुछ नहीं था अपना। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ किन के नाम किया था, गरीबों के नाम किया था। क्यों? क्योंकि ये एक हम्बल सबमिशन उसकी गॉड की तरफ थी, यानी उसको खुदा की तरफ से एक आवाज़ आई थी, जिसकी वजह से उसने अपना जो सारा जीवन है, सारी ज़िंदगी जो है वो इन लोगों के लिए लगा दी। लेकिन इतना होकर भी, हालांकि ये इतनी मतलब इसके पास कुछ नहीं था, तो जो बड़े बड़े अमीर लोग थे, मशहूर लोग थे, ताकतवर लोग थे, वो इसके आगे पीछे घूमते रहते थे, इसकी सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते थे और कहते थे कि हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। How did she acquire this stature? Let us trace the journey of this saint of our times in order to find an answer to this question. उन्होंने ये मुकाम, ये इज्जत, ये स्टेटस कैसे हासिल किया और उसकी उनकी ज़िंदगी, मदर टेरेसा की ज़िंदगी जो है वो कैसी चली, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। On 26 August 1910, a girl child was born in Skopje, a city which was a part of Albania at that time, but later became a part of Yugoslavia.
26 अगस्त 1910 में एक लड़की ने एक घर में जन्म लिया, एक शहर में जन्म लिया जिस शहर का नाम था स्कोपची, और पहले वो अल्बानिया में था, उसके बाद वो यूगोस्लाविया में आ गया, यानी वहाँ फिर वो पार्टीशन हो गया, ठीक है। शी वॉज नेम्ड एग्निस गोंगसा बुजिक्स, इसका नाम था ये अंग्रेजी नाम है, इसमें थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए इसको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है, एग्निस गोंगसा बुजिक्स, ठीक है। हर फादर ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन डाइड व्हेन शी वाज 8, एक अच्छे घर में पैदा हुई, इसके जो फादर थे वो एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन थे, लेकिन क्या हुआ जब ये 8 साल की थी, उस दिन यानी उस टाइम पे इसके फादर की डेथ हो गई। देन द फैमिली वॉज लुक्ड आफ्टर बाय द मदर द्राना, हू स्किल एट स्टिचिंग एंड नीडल क्राफ्ट प्रोवाइडेड हर विद ए लाइवलीहुड। लेकिन जब उनके फादर की डेथ हुई तो उनकी जो इनकम है वो कम हो गई, तो फैमिली को चलाने के लिए उनकी माँ ने काम किया, और वो काम क्या था, उन्होंने सिलाई कढ़ाई का काम किया जिससे उसने अपने फैमिली को पाला। द फैमिली वॉज रेज्ड इन ए डिवोट रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन। जो ये फैमिली थी ये कहाँ पे बड़ी हुई, इनका ख्याल किसने रखा, इनका ख्याल रखा वहाँ के रोमन कैथोलिक ट्रेडिशन ने, यानी जो वहाँ के जो चर्च था, जो जो फादर थे वहाँ के, जो पादरी थे, उन्होंने इनको अपनी पनाह में रखा, अपनी शरण में रखा, अपने उस चर्च के एरिया में रखा। राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड, क्योंकि अब ये इस एरिया के इर्द गिर्द ही रहती थी, रिलीजियस प्लेस के इर्द गिर्द थी, तो उसका असर इस पर बहुत पड़ गया। राइट फ्रॉम हर चाइल्डहुड एग्नेस वुड लव टू स्पेंड टाइम इन द चर्च, डेकोरेटिंग इट विद फ्लावर्स, हैंगिंग फ्लैग्स एंड बैनर्स फॉर फेस्टिवल्स एंड सिंगिंग इन द चर्च चोयर। इसलिए बचपन से ही इसको ये काम अच्छे लगते थे, क्या काम, चर्च में, यानी इनके जो गिरजाघर था वहाँ पे वो फूलों से सजाना, वहाँ पे झंडे लगाना, बैनर्स लगाना, और वहाँ पे अपने जो मज़हबी जो गीत होते थे या जो भी इनका होता था सॉन्ग होता था वो गाना, ग्रुप में गाना, चॉयर मीन्स ग्रुप, यानी ग्रुप में गाते थे ये। जो छोटी थी ये सीखती थी उनके साथ गाना। शी वॉज ऑल्सो ए कीन लिसनर टू स्टोरीज ऑफ द इलिटरेट एंड स्टोरीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज गोइंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टू सर्व, एजुकेट एंड टेंड टू द पुअर, द इलिटरेट एंड द सिक। और इसके अलावा इसको बहुत अच्छा लगता था क्या, जो इनका क्रिश्चियन मिशनरी था, मिशनरी यानी था, मिशनरी वर्ड आया है फ्रॉम द मिशन, ठीक है, यानी जो क्रिश्चियंस थे उनका एक मिशन था कि वो अपने जो अपना जो मज़हब था, अपनी जो टीचिंग थी, उसको पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करते थे, काम करते थे, और वो भी इस चीज़ के लिए बहुत मतलब उत्साहित रहती थी कि मैं भी देखूं, मैं भी सुनूं, मैं भी करूं कि किस तरह हमारे ये लोग जो ये काम करते हैं, जिसकी वजह से वो किनकी खिदमत करते हैं, क्या क्या करते हैं, खिदमत करते हैं, पढ़ाते हैं और ख्याल रखते हैं किनका, द पुअर, द इलिटरेट एंड द सिक, यानी गरीबों का, अनपढ़ों का, बीमारों का ख्याल रखना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी खिदमत करना, ये इस क्रिश्चियन मिशनरी का एम था। देयर लाइफ ऑफ डेडिकेशन फैसिनेटेड हर, उनका ये काम जो है, इस काम से ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित थी, बहुत अच्छा लगता था इसको, कि इसको दिल में आता था कि मैं भी यही करूं। दीज एक्टिविटीज़ अलोन हाउ एवर वुड नॉट मेक हर आउट एज एन एक्सेप्शन, हालांकि इतना सब कुछ होते हुए भी शायद ये इतनी बड़ी शख्सियत इस फील्ड में नहीं होती अगर एक दिन ऐसा ना हुआ होता। क्या हुआ, इट वॉज़ व्हेन शी वॉज 15 दैट समथिंग हैपन्ड दैट
चार्टर्ड एन एंटायरली डिफरेंट कोर्स फॉर हर। ये तब हुआ जब ये 15 साल की थी, तब इसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से इसको इसकी ज़िंदगी का पूरा नक्शा ही बदल गया। समझ आ रही है क्या हुआ? She was on a trip to the mountain when suddenly she had a feeling that someone was calling out to her saying, follow God and serve others. ये उस दिन की बात है जब ये अपनी जो अपने साथी थे उनके साथ कहाँ गई थी, ट्रिप पे गई थी, माउंटेन पे, पहाड़ी पे, वहाँ पे चढ़ाई की, वहाँ कोई काम होगा इनको, यहाँ कोई जो माउंटेन ट्रिप जो करते हैं कुछ इसके लिए किसी को हॉबी भी होती है, ठीक है। तो वहाँ चढ़ते चढ़ते क्या हो गया, इसको अचानक लगा कि जैसे इसको कहीं से कोई आवाज़ आ रही है जिसने इसको कहा कि फॉलो गॉड एंड सर्व अदर्स, खुदा की राह पे जाओ और लोगों की खिदमत करो। जैसे किसी ने इसको अंदर से आवाज़ दी या किसी ने इसको कहा खुदा की राह पे चलो और गरीबों की खिदमत करो। इन आवर ओन ईस्टर्न मिस्टिक ट्रेडिशन टू, इट इज़ बिलीव दैट एन इनर वॉइस कॉल्स आउट ए पर्सन इफ़ गॉड हैज़ सम स्पेशल टास्क कट आउट फॉर हिम और हर। हम भी ये मानते हैं कि अगर किसी इंसान को खुदा ने किसी काम के लिए बनाया हो तो उसके अंदर से उसको वो आवाज़ दिला देता है, उसके दिल में से आवाज़ आती है उसको कि तुम्हें ऐसा काम करना है, क्योंकि उसने उसको उसी काम के लिए बनाया होता है। सो दिस एक्सपीरियंस ऑफ हर्स शुड नॉट कम एज अ सरप्राइज टू अस। इसलिए उनकी जो ये काम था या उनका जो ये लगाव था, ये कोई हैरानी की बात नहीं थी। अबाउट दिस टाइम एग्नेस हैड ऑल्सो हर्ड दैट समवेयर आउट देयर इज अ प्लेस कॉल्ड इंडिया एंड हैड ऑलरेडी मेड अप हर माइंड टू बिकम ए मिशनरी। इतनी देर में उसने ये सुना था कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जिसका नाम इंडिया है और वहाँ पे बहुत ही गरीब और बीमार लोग रहते हैं, और इसने दिमाग में ये ठान लिया था कि मैं वहाँ जाके इस मिशनरी का काम आगे बढ़ाऊँगी, वहाँ जाके गरीबों की बीमारों की खिदमत करूँगी। शी नाउ डिसाइडेड टू लीव होम एंड बिकम ए नन। अब उसने ये फैसला कर लिया कि वो घर छोड़ के कहाँ जाएगी, नन बनेगी, यानी अब वो एक सेंट बनेगी, शादी नहीं करेगी, लीड ए लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड चेस्टिटी एंड सर्व द पुअर पीपल। अब उसने ये ठान लिया कि वो अब नन बन जाएगी, एक सेंट बनेगी और एक गरीब आम जिंदगी बिताएगी और चेस्टिटी एक आम और पाक जिंदगी बिताएगी और लोगों की खिदमत करेगी। शी हैड ऑल्सो रिजॉल्व दैट शी वुड गो टू कोलकाता इन इंडिया टू सर्व द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, दैट वॉज टू बी द मिशन ऑफ हर लाइफ। और उसने ये दिमाग में ठान लिया था कि वो कहाँ जाएगी, वो इंडिया जाएगी, कोलकाता जाएगी, वेस्ट बंगाल में जाएगी, कलकत्ता में जाएगी, जहाँ पे इसने सुना था कि वहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं। इसने कहा जो सबसे गरीब बेचारे हैं जिनका कोई नहीं है, मैं उनकी खिदमत करूँगी। यही उसकी ज़िंदगी का मकसद बन गया। एज प्रिपरेशन फॉर हर रियल मिशन शी वेंट टू आयरलैंड एंड जॉइन द कॉन्वेंट ऑफ द सिस्टर्स ऑफ लोरेटो इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश बिफोर शी वेंट टू बंगाल। अब इसके लिए उसको थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी थी, अपने आप को तैयार करना था, जिसके लिए कहाँ गई, ये एक कॉन्वेंट में, एक स्कूल में गई जिसका नाम था सिस्टर्स ऑफ लोरेटो। वहाँ पे इन्हीं नंस की ट्रेनिंग दी जाती थी कि वहाँ पे किस तरह इनको लोगों के साथ बात करनी है, लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज सिखाते थे। और वहाँ जाके इसने क्या किया, इसने इंग्लिश सीखी और उसके बाद इसने बंगाल यानी वेस्ट बंगाल जाने का फ़ैसला कर लिया। आज इतना ही, इसके आगे कल पढ़ेंगे।